हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है ये नर्सरी विजिट पर है। जो मैंने शॉपिंग की थी वो आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने क्या क्या शॉपिंग की। और मैंने ये देखो, ये मैंने कुछ गमले खरीदे हैं और कुछ ये टूल्स की ज़रूरत थी मुझे, ये खरीदे हैं। कटर है और ये है, ये है और ये ग्लव्स है, ये खरीदे हैं। और कुछ मैंने स्टैंड खरीदा है, ये इस तरह का तीन गमलों वाला। और कुछ जो विंटर फ्लावर होते हैं सीजनल, वो खरीदे हैं। कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ जैसे सीजनल होते हैं वो खरीदे हैं। और नर्सरी में काफ़ी सुंदर सुंदर आ गया है प्लांट। और ये शॉपिंग मैंने जो ये ऋषिकेश की सूर्य नर्सरी है उसी से खरीदे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके और रेट भी बताती हूँ, नाम भी बताती हूँ। ये देखो, ये वैगनिया कितना प्यारा इसका कलर है और इसकी लीफ भी कितनी सुंदर है। पिंक कलर का नहीं था मेरे पास, कई सारे कलर हैं मेरे पास। ये विजिट किया मैंने, ये मेरे को 50 रुपये का पड़ा। और ये गजानिया है, गजानिया फ्लावर। ये मैंने कई सारे फ्लावर लिए हैं अलग अलग कलर के, मेरे पास लगभग सभी हो गए हैं। मैं आगे वीडियो डालती रहूँगी। और ये भी कितने का, 25 रुपये का है। और ये एक ये है, और कई सारे मेरे पास गजानिया के भी कई सारे हैं। एक ये है और भी मैंने कई सारे लिए हैं। ये सर 30-30 रुपये के हैं गजानिया के। और मैं आपको 20 रुपये के दिखाती हूँ पहले, 20 रुपये के मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और ये मुझे काफ़ी अच्छी सस्ती पड़ी। ये देखो कितने प्यारे, ये मैरीगोल्ड है, कितना सुंदर प्यारा सा कलर है। और एक मैरीगोल्ड मैंने ये लिया है येलो कलर का, ये भी 20 रुपये का है मैरीगोल्ड का। और ये पिटोनिया का इतने प्यारे प्यारे कलर आ गए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। ऐसा लगता है कि सारे ही खरीद लो, ये काफ़ी सारे हैं। और फूल भी अब देखो कितने अच्छे ब्लूम कर रहे हैं, कितने सुंदर। ये ख़रीदा, ये मात्र 20 रुपये का है ये। और एक मैंने पिटोनिया का कई सारे खरीदे, अभी ये दिखाई नहीं दे रहे, अभी दिखाती हूँ। और ये इसका गजानिया का एक ये है, गजानिया में मैंने कई सारे खरीदे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका अभी खिला नहीं है लेकिन हेल्दी, इसके जो प्लांट है मुझे काफ़ी हेल्दी लगा ये वाला। और तो अभी फ्लावर आएगा इस पर, तब पता चलेगा जब खिल जाएगा कौन सा कलर है। तो ये सारे मैंने जितने भी खरीदे हैं हेल्दी प्लांट खरीदे हैं। और ये मुझे सबसे अच्छा जो लगा है ये डहेलिया का, ये जो छोटी वाली वैरायटी आती है, ये छोटी वैरायटी जो आती है ड्वार्फ में, ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आया। देखो डहेलिया का फ्लावर कितना प्यारा है, लग भी नहीं रहा कि ये डहेलिया का होगा, बहुत ही सुंदर है। कलर देखो, कलर कितना प्यारा है इसका। एक ये वाला खरीदा मैंने, और एक ये मैरून और लाल में है, ये बहुत ही प्यारा कलर है, इतना कैमरे में नहीं अच्छा लग रहा, ये भी बहुत सुंदर है। ये मेरे 50-50 रुपये के हैं और मैं पहले भी लाई थी कई सारे कलर के। और एक ये है देखो, ये कितना प्यारा कलर है, ये मजेंटा कलर, कितना प्यारा कलर है अंदर से और बाहर से भी, और बिल्कुल छोटे छोटे से है। ये देखो, मैं लॉन्ग वाले नहीं लाई, लॉन्ग वाला बस एक ही लाई थी पहले। ये देखो कितना सुंदर सुंदर है, बहुत प्यारे प्यारे हैं। और सिर्फ ये कितने के, 50-50 रुपये के। एक ही बरबीना का, मुझे बरबीना के भी बहुत ही पसंद आए, वहाँ पे इतने कलर थे बरबीना के, काफ़ी सारे कलर थे वहाँ पे। तो मैंने 3-4 बाय किए हैं, और एक पहले पर्पल कलर का किया था, एक ये रानी कलर का, देखो कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर कलर है। और एक ये है, कितना प्यारा कलर है, पिंक कलर, और मात्र कितने 20 रुपये का, कितना सस्ता है ये। और ये परमानेंट है, बहुत ही सस्ता है, कितना पिंक कलर, कितना प्यारा लग रहा है ये देखो, इसलिए मैं कई सारे ले आई है। और एक ये है रेड कलर का, कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर कलर भी, बहुत सुंदर है। अब फूल छोटे छोटे गुच्छों में आते हैं इसके, बहुत ही प्यारे कलर है। और ये एक ये फेलोक्स का है, देखो ये लेके आई मैं, इसके भी ये देखो छोटे छोटे फूल हैं और लेकिन प्यारे हैं। ये भी मेरे पास एक दो कलर पहले भी हैं मेरे पास इस पर, तो वो भी सुंदर सुंदर है। और ये मैं ये पहले यही मैंने यहीं से लिया था, ये ख़रीदा था, तो ये भी कितना प्यारा कलर है। ये मेथी वाला प्लांट है, ये सरसों का जैसे प्लांट होता है उसी वैरायटी का है, उसी फैमिली का है, बहुत ही प्यारा है। और ये देखो ये बैगन वेलिया, ये रेड कलर है, ये वेरिकेटेड है इसलिए मैंने इसको बाय किया, छोटी वाली है ये। और ये कितनी प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, ये गमले वाली है, बहुत सुंदर है। और ये मैंने तो इतने सारे खरीद लिए थे घर में भी, और पहले भी मैं काफ़ी सारे लाए थे,
ये गुलदावरी के, ये देखो ये है 80 रुपए के है, 80 रुपीज के, और कितनी प्यारा कलर है इसका। और एक ये कलर का लेके आई मैं, ये दो कलर नहीं थे मेरे पास तो मैंने इसको भी बाय किया। और एक मैं दिखाती ये गुलाब का, इतने गुलाब की इतनी वैरायटियां हैं वहाँ पे, और ये सिर्फ मात्र कितना 80 रुपीज का है ये गुलाब का, और बहुत सुंदर है। इसमें देखो अगर आप खरीदोगे तो देख के खरीदना, ये देखो इसमें कलियां भी कई सारी हैं और हेल्दी प्लांट है, और इतनी सारी कलियों से भरा हुआ है, ये है ये है, कई सारी कलियां हैं इसमें, और कलर भी बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन का ये शेडेड है, कितना प्यारा है, अभी तो खिल के आ रहा है, पूरा भी नहीं खिला। और एक वाइट लिया, ये देखो कितना प्यारा है, वाइट कलर भी बहुत ही प्यारा है। इस पर भी मैंने, ये भी हेल्दी प्लांट है मेरा, इतनी सारी कलियां हैं, ये देखो कितनी सारी कलियां, जब भी आप लें हेल्दी प्लांट लें, और देखो कितनी सारी कलियां, बहुत सारी कलियां हैं इस पर, क्योंकि काफ़ी समय तक ये खिलती रहेंगी इस पर। और ये भी 80 रुपये का है, मात्र 80 रुपये का, और ये भी कितना सुंदर है। और ये जो मैंने बाय किया है ये स्टैंड 3 गमलों का, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ पे आएगा, तो ये अच्छा है, ये लोहे का है, अगर पेंट भी छूट जाता तो कोई बात नहीं, ये 2-3 साल तो पड़ा रहेगा और उसके बाद हम पेंट कर सकते हैं, इसमें न्यू बना सकते हैं इसमें। ये मात्र 500 रुपये का है। और ये गमले तो देखो मैं सीजनल के लिए तो मैं बता देती हूँ, पहले भी मैंने बताया है आपको, ये मैं 2020 के खरीदती हूँ, ये छोटे हैं ना ये वाले, और इस तरह के, या तो ये हैंगिंग में लगा लो, हैंगिंग में बहुत सुंदर लगते हैं, और या फिर मैं इसमें 6 इंच वाले लगाती हूँ। और एक ये मात्र ये है 20 रुपये के इस ये वाले, और 6 इंच के, और ये जो बड़े वाले हैं थोड़े, ये 30 रुपये का है। तो ये गमले मुझे बड़े सही लगते हैं। और ये मैं टूल्स लाई हूँ, ये 400 रुपये का मिला है मुझे, ये कटर है कंपनी का है, अच्छी कंपनी का है, और ये 2-3 है इसमें, ये 120 में है, 3 है इसमें, और ये है ये देखो, ये सारे टूल्स नहीं थे मेरे पे, ये मैंने इसलिए बाय किए। तो और ये ग्लव्स है, और ये तो शायद 80 रुपये का है ये वाला, ये जो गुड़ाई करने के लिए होता है मिट्टी के, तो इसी ये भी ज़रूरी होता है ना, गुड़ाई ज़रूरी, गुड़ाई के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, और जो है गमले की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए, तो उसके लिए वजह से मैं पहले जो किचन टूल्स होते थे मैं उसी से कर लेती थी। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत सारे हैं, अभी पहले भी मैं बीच में भी काफ़ी सारे लाई हूँ, और अब मैं फिर बाद में जो वीडियो बनाऊँगी एक साथ दिखाऊँगी। और ये देखो कितने सारे फ्लावर हैं, आपको एक बार और दिखा देती हूँ सारे, इसका भी कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, अगर आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और अगर आपको आगे वीडियो देखनी है मेरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे सब्सक्राइब से क्या होता है, ये मेरे चैनल को काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, और शेयर कमेंट सभी कुछ कर देना, जिससे मेरे चैनल को हेल्प मिले। आपका लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।